गेल्या 2017 वर्षी मेळघाटातील हरिसाल शहराला डिजिटल शहर म्हणून केंद्र सरकारने मोठ्या गाजावाजा करीत सुरुवात केली होती। इंटरनेट सेवा गावात सुद्धा पोहोचली। आता खरं 2024 मध्ये हरिसाल डिजिटल शहर म्हणून विकसित झालेत का, याचा आमचा सिडनूस प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजितिया येथे दाखल होऊन त्यांनी आढावा घेतला। पाहूया मेळघाटातील हरिसाल डिजिटल शहराचा हा ग्राउंड रिपोर्ट। दो हजार सत्रह में डिजिटल गांव करके हरिसाल का एक पूरे देश में एक महत्व निर्माण हुआ। 2017 में यहां पर इंटरनेट सेवाएं सरकार द्वारा दी गई थी, जिसके चलते यहां पे उस समय लोगों में कई अपेक्षाएं और कई सपने लोगों ने यहां पे देखे थे कि हरिसाल डिजिटल के नाम से जाना जाता था। यहां पे टावर्स वगैरह लगाए, वो सारे टावर्स वगैरह बताएंगे। अभी यहां पर ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह चल रही है, कुछ सेवाएं उपलब्ध है और बहुत सारी सेवाएं उस समय जो बताया गया था करीब करीब बहुत सारी सेवाएं यहां पर उसमें की बंद हो गई। अब क्या सेवाएं दी थी, क्या है यहां के नागरिकों से, यहां से जो है उनके साथ में यहां पर जानकारी लेंगे पूरी की पूरी। आज यहां पर बाजार का दिन है, बाजार नीचे भरता है, ये जो आप निशान देख रहे हैं यह हरिसाल का सिंबल उस समय 2017 में दिया गया था और डिजिटल विलेज हरिसाल के नाम से पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हुआ था। जब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी उस समय हरिसाल एक धारणी क्षेत्र में, मेलघाट क्षेत्र में एकदम दुर्गम इलाका है, वहाँ पर उस समय यह सुविधा दी गई थी सरकार द्वारा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पीछे सचिवालय हरिसाल करके लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से सरकारी बिल्डिंग है और सरकारी कामकाज होते, ऊपर सरपंच का ऑफिस भी दिख रहा है, यहाँ पे कार्यालय भी है और भंडार गृह है और पोस्ट ऑफिस और उसके साथ में बैंक्स और कुछ कृषि केंद्र, ऐसी यह यहाँ की अभी जो सामने अभी दिखाई दे रही है। पीछे एटीएम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पर 2017 में यहाँ पर इसे डिजिटल हरिसाल घोषित किया था और उसके बाद में कई बहुत सारी सुविधाओं की यहाँ पे उस समय कल्पना की गई थी, बताया गया था, यानी यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह उस समय कि पूरे देश से हरिसाल का संबंध जुड़ गया था, क्योंकि इंटरनेट सेवा ऐसी है जिस जहाँ से बैठकर पूरे विश्व को हम हमारी मुट्ठी में लेकर देख सकते हैं। पूरे विश्व की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से हासिल की जाती है। आज तो डिजिटल की दुनिया ही अलग हो गई है, उस समय की बात है जब बहुत ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उस समय धारणी में यह किया गया था। हम जानते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार यह डिजिटल सेवाएं चली, कब तक चली, कौन सर्विस प्रोवाइड करता था, अभी आज की क्या स्थिति है। आज तो दिख रहा है यहाँ पर यानी रोड वगैरह बने हुए हैं, आना जाओ अच्छी है, ट्रैफिक यहाँ पर अच्छा है, बाजार भी आज है, बाजार में भी जाकर देखेंगे। हम मिलते हैं कुछ नागरिकों से यहाँ पर कि किस प्रकार इसकी कल्पना थी। हमारे साथ में यहाँ पे हरिसाल के सरपंच जो युवा है और यहाँ के कुछ नागरिक जिन्होंने डिजिटल के समय यहाँ पर काम किया, डिजिटल हरिसाल में, और डिजिटल हरिसाल को एकदम करीब से देखा है, दो लोग हमारे साथ में हैं। सबसे पहले जानते हैं सरपंच से जी, आपका परिचय, आप यहाँ पे सरपंच कब से हो और कैसे बने? सर मैं सरपंच 2022 को बना जी, जो 2022 को बना सरपंच में, और उसके बाद इससे पहले मैं लोगों का सेवा करता था और हर चीज़ में मदद करते रहता था, उठक बैठक जैसे, और लोगों का काम जो भी दिक्कत रहते तो वो पहले आते थे। अभी क्या काम है सरपंच का, अभी क्या करते हो आप? जब सरपंच होने के पहले आप ये करते, सेवा करते थे, लोगों ने फिर आपके तरफ
ध्यान दिया, आपको सरपंच बना दिया। अभी क्या काम रहता है आपका यहाँ पे? सर अभी तो मैं सब ग्राम पंचायत पे ध्यान देता हूँ, काम धंधे पे, और लोगों का जो भी काम है, जो निराधार है, जो भी है, जो पगार चालू करना है उनका काम करता हूँ और गांव का विकास करता हूँ। आपको पता है 2017 में यहाँ पे डिजिटल हरिसाल करके, डिजिटल विलेज करके हुआ था, पूरा इसका इंडिया में बहुत प्रचार जोर शोर से हुआ था और पूरे इंडिया से कनेक्ट हो गया था। क्या लगता है आपको उस समय जो किया, क्योंकि उस समय भी आपने देखा होगा, आपको क्या महसूस होगा उस समय? सर यहाँ तो सबसे पहले ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ अभी भी उस समय क्या था, 2000 समय की बात कर रहा हूँ, 2017 में कैसा था ये, जब आया जब तो कुछ भी नहीं था, ये पहली बार प्रयोग हुआ था ये। सर 2017 पे भी जैसा पहले था तो अभी सिर्फ थोड़ा सा बदला हुआ है, जैसा अभी 4G नेटवर्क भी नहीं है, ऑनलाइन का कोई सुविधा नहीं है, अभी थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम होता है सर ऑनलाइन की वजह से। 2017 में आपका परिचय थोड़ा सा? मैं अमित पड़ोकर जी, मैं यहाँ 2016 में ही एयर जल्दी जो नेटवर्क ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैं यहाँ पे मैनेजर बोल के काम करता था उनके साथ। तो 2017 में जब यहाँ पे डिजिटल हरिसाल हुआ तो क्या क्या सुविधाएं दी गई और क्या इसका लोगों में इंपैक्ट पड़ा? 2016 के पहले हमारे गांव में कोई किसी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं थी, आइडिया और रिलायंस का 2G नेटवर्क चलता था, हल्का फुल्का था। हाँ हल्का फुल्का, तो नॉर्मली कॉलिंग पे बात होना ये सब। उसके बाद 2016 से जब डिजिटल हुआ गांव, फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हुई एयर जल्दी ने करी, तो हर जगह पे मतलब 9 MBPS के साथ इंटरनेट मिलने लगा। तो जो युवा है जो पीछे रह गए थे कुछ, जिनके पास उस समय स्मार्ट मोबाइल होंगे वो, हाँ सबसे मेन तो ये था कि हमारे गांव में 2016 से पहले कुछ ही लोगों के पास स्मार्टफोन थे जी। 2016 के बाद फिर स्मार्टफोन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, फिर लोग मोबाइल से ही सब काम करने लगे, मोबाइल का सेल यहां पे बढ़ा, लोगों का मोबाइल की तरफ अपडेट हुआ, लोगों को मोबाइल की जानकारी मिलनी चालू हुई। युवा वर्ग कितना पढ़ा लिखा है यहाँ का? युवा वर्ग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, जो मेरे साथ महेश करके था वो DED करा हुआ है, मतलब अच्छे ग्रेजुएट लड़के भी है, तो इनमें कुछ लड़कों ने ऑनलाइन की दुकानें वगैरह डाली, इंटरनेट से मतलब बहुत सारे फायदे हुए, रोजगार भी आया गांव में, मतलब बहुत सी चीज़ें बदली, मतलब पूरा गांव भी बोलेंगे अपन बदल गया। तो 2016 के पहले का जो चेहरा था और 2016 के बाद का जो फेस था गांव का, वो बहुत से चेंजेस यहाँ आ गए हैं और मतलब काफ़ी तरह से गाँव डेवलप हो गया। उस टाइम जो इंटरनेट देते थे उसका क्या चार्ज करते थे? उस टाइम फ्री था। अच्छा, जब तक डिजिटल अंतर्गत इंटरनेट यहाँ प्रोवाइड हुआ तो पूरी तरह से फ्री था पूरे गाँव में। कितने लोग कनेक्ट होंगे उस टाइम पे, ऐसे अंदाजन? अपने गांव में हरिसाल में करीबन 7 हॉटस्पॉट थे, एक हॉटस्पॉट में करीबन 50 लोग कनेक्ट होते थे, हो सकते थे हाँ आराम से। तो इसी तरह मतलब गांव की जितनी भी 300-350 लोग आराम से, अभी क्या है इंटरनेट, जैसे अभी भी डिजिटल विलेज हरिसाल लिखा हुआ, इस इंटरनेट के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है यहाँ की और मेडिकल व्यवस्था कैसी है? मेडिकल व्यवस्था तो सर सब बरोबर है, इससे पहले जो वाईफाई था पहले फ्री था जी, तो इससे लोगों को बहुत सी सुविधा हो जा रहा था, अभी वाईफाई के जो नेटवर्क है वो सब बंद हो गए और पैसे भी लगने लगे। तो पैसा खर्चा करके लोग लेते होंगे ना? हाँ सर, पैसा की स्वास्थ्य पहले डेली मेडिसिन करके चलता है, हरिसाल हुआ तो यहाँ से डॉक्टर बैठ के दूसरी जगह से उसको चेक करते थे, मेडिसिन करते, अभी क्या है वो, उसकी स्थिति क्या है सर? अभी सब तो सुविधा होगी हॉस्पिटल पर हो रहा है सर, अभी भी टेली मेडिसिन का चालू है? टेली मेडिसिन बंद है अभी, तो अभी वहाँ से तो कुछ VC वगैरह कुछ होता नहीं है, वो पूरी तरह से बंद है। यहाँ सुविधा नहीं है का इंटरनेट के कारण बंद हुआ है या लोग उसको ये नहीं कर रहे या दूसरी सुविधा उपलब्ध हो गई? इसमें इंटरनेट सर्विस तो है जी, PHC में इंटरनेट सर्विस है, बट शायद उसका बिलिंग का कुछ इशू है या गवर्नमेंट का कुछ मतलब नज़रअंदाज करने का कुछ ऐसा नज़रिया रहा है, उस वजह से अभी डिजिटल के अंदर का टेली मेडिसिन की तरफ लोगों का क्या आकर्षण, लोग जाते थे? हाँ जाते थे, लोग जाते थे इंटरेस्ट से जाते थे, जिसको भी कुछ ज़्यादा मतलब तकलीफ है तो यहाँ के डॉक्टर हैदराबाद LB प्रसाद से VC करके वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर थे वो यहाँ पे इनको सजेस्ट करते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसका बेनिफिट मिला यहाँ हर साल में? हाँ मिला। आसपास के गांव के भी लोग आते थे? बिल्कुल बिल्कुल, आसपास के 50 किलोमीटर के आसपास 50-45 गांव के लोग आते थे। बिल्कुल। और यहाँ पे पढ़ाई की सुविधा क्या क्या है अभी यहाँ पे? सर पढ़ाई की सुविधा यहाँ से 1 से लेकर 12 तक है सर, यहाँ पे हरिसाल में। हाँ, हरिसाल में। हाँ। कितनी संख्या होंगी स्कूलों में अभी? वो भी आप देखते हो स्कूल का काम भी जाकर? हाँ सर जाते हो, आंगनबाड़ी स्कूल हॉस्पिटल। कितने बच्चे स्कूल में यहाँ पे अभी 1 से 12 तक के टोटल? 1 से 12 वहाँ भी 45 गाँव के लोग आते हैं सर, कम से कम 1200 से 1300 लोग बच्चे होने हैं। अच्छा, और ये पीछे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इनका ATM वगैरह सारा भरा हुआ है। हाँ, इनकी अपनी सुविधा, इन्होंने अपना इंटरनेट लगा के अलग, हाँ, वो भी एयर जल्दी से कनेक्ट है इनका कोई। हाँ,
और क्या सुविधा होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि भैया डिजिटल हरी विलेज नाम तो लगता है, लेकिन जितनी डिजिटल की फैसिलिटी अभी धारणी में जितनी अमरावती में जितनी पड़ता है वो फैसिलिटी यहाँ पर? सर यहाँ एक सेतु भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पे जाने पड़ता है हर व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ से 25 से 30 गांव कनेक्ट है। पहले सेतु और... था ना यहाँ पे? हाँ सेतु था, हाँ, डिजिटल के माध्यम से था, उसके बाद हाँ उसके बाद बंद हो गए थे। और यहाँ से कैसे प्रयास किए? हाँ प्रयास किया है, बोले उनने की भाई सेतु लगाए, मगर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं फिलहाल। और यहाँ से 25 से 30 गांव है सर, उनका सर बहुत प्रॉब्लम जाते हैं यहाँ से। यहाँ से कम 50-60 किलोमीटर जाना पड़ता है सर, कोई अंदर गांव रहता है चौपन कोकमार चौरा, गाड़ी वाड़ी की सुविधा नहीं है, बारिश में दिक्कतें होती है, उसके बाद बैंक का भी वही इशू है, सारे गांव के लोग आते हैं बैंक में प्रॉपर सर्विस मिलती नहीं है, तो बहुत ही इंटरनेट के माध्यम से भी कभी इंटरनेट बंद हो जाता है कुछ, तो इसके वजह से भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये थे डिजिटल हरिसाल, जहाँ हम खड़े हैं, सरपंच हमारे साथ में, उस समय डिजिटल इंडिया में जो सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते वो हमें यहाँ पे मिले हैं। जिस प्रोपोगंडा और जिस आशा के साथ में डिजिटल हरिसाल का उद्घाटन किया गया था, उसका प्रचार किया था, हालांकि आज पूरा देश डिजिटल हो गया, आज 5G की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आज भी बताया जा रहा है कि 3G की स्पीड भी बहुत मुश्किल से मिलती, मात्र एक 2G की स्पीड ही मिलती है, मात्र एक आइडिया का नेटवर्क यहाँ पे काम करता है, बाकी BSNL काम नहीं करता है, एयरटेल काम नहीं करता है, वोडाफोन काम नहीं कर सकता है, जियो काम नहीं कर सकता है, यानी इतने सारे नेटवर्क और डिजिटल हरिसाल का प्रोपोगंडा होने के बावजूद आज की परिस्थिति में जिस ढंग से पूरे विश्व में इंटरनेट का और डिजिटल मीडिया का प्रचार हुआ, उस मामले में जहाँ 2017 में इसको विश्व के नक्शे पर लाने की कोशिश की थी, आज यह सारी उन समस्याओं से जूझ रहा, ठीक है थोड़ा सा कह रहे कि आइडिया का नेटवर्क आता है, बैंक का काम थोड़ा बहुत चल जाता है, पोस्ट ऑफिस का काम चल जाता है, मेडिसिन का जो टेली मेडिसिन एक बहुत अच्छा कि रिमोटली, जैसे हमने कोरोना में देखा कि झूम के द्वारा आपसे कई बार आपकी मेडिसिन और आपका चेकअप हुआ, वो यहाँ चलता था, वो सारा अब यहाँ से बंद हो चुका है, करीब करीब नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ें जो उस समय सपने यहाँ के हरिसाल वाले लोगों ने देखे थे, आज भी उसी सपने की आशा में हरिसाल के यहाँ के ग्रामवासी है कि हमारा डिजिटल हो और हम पूरी दुनिया से कनेक्ट, नहीं 5G तो कम से कम 3G का भी नेटवर्क यदि बहुत अच्छे से मिल जाए तो इसमें भी यहाँ पर लोग खुश होंगे। हम यहाँ के बाद में यहाँ का आज बाजार का दिन है, वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार लोग बाजार के लिए आते रहे। जो रोड बन रहा है कवड़ी राणे, जो रोड बन रहा है कवड़ी राणे तू ते या भारतीय दुकानापर्यंत धीरे विटे बुलडर उखळून आले, 4 महिने झाले त्याले, म्हणजे पैसे घेऊन गेले मोदीच्या नावानं, पैसे काढून आले ते, म्हणजे मोदीचे आहे करते पैसे काढण्याचं काम, आता हेच लोक करतात, रोड नाही करत, रोड तर घेतात पण माती ढगळ्यानं भरून देतात, सगळं भरून देते। बाकी काय मेडिकलची सुविधा वगैरे काय आहे, दवाखाने वगैरे कसे आहे, स्कूल कशी आहे? दवाखाने साधारण बरी आहे पण तेवढे नाही आहे जसं पाहिजे तसं नाही आहे, स्कूल वगैरे चांगली आहे, शाळा वगैरे बरी आहे। तुमचे मुलं मुली जाते का तिथं? हा जाते ना शाळेत, जाते का? हा सर्व मुली गावचे सर्व मुले मुली जातात, बरोबर शिकतात तिथं, जाते जाते, पोस्ट ऑफिस बँक वगैरे बरोबर चालते चालते,